गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज यूएस मैथ्स क्लास एंड टुडे वी विल डू इट्स चैप्टर नंबर 8 डिवीजन एक्सरसाइज नंबर 3। इन दिस चैप्टर यू हैव टू फिल अप द डिवीजन फैक्ट्स फॉर द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। आपको ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स दिए गए हैं और इनके 1-1 डिवीजन फैक्ट दिया गया है, आपको इसमें अनदर डिवीजन फैक्ट निकालना है। नाउ लुक हियर, एज यू नो 3 5 15। व्हेन यू रीड द टेबल ऑफ 3 till 5 यू गेट द आंसर 15। 3 5 15 एंड इट्स डिवीजन फैक्ट इज 15 / 3 इज इक्वल टू 5। व्हेन यू डिवाइड 15 / 3 योर आंसर विल बी 5 एंड इट्स अनदर डिवीजन फैक्ट विल बी 15 / 3। व्हेन यू 15 / 5 व्हेन यू डिवाइड द 15 / 5 व्हाट विल बी द आंसर। दिस इज योर रफ वर्क, 15 / 5। नाउ काउंट द टेबल ऑफ 5, रीड टिल यू रीच 15। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 3 = 15, you get the answer 3. So write here 3. The another division fact is 3. 15 / 5 is equal to 3. Now come to the B part. 2 × 4 is equal to 8. As you know 2 4 = 8. 2 4 = 8 होते हैं and when you divide 8 by 2 you get the answer 4 and now you have to write the another division fact for 8 / 4. Now in this rough work divide 8 by 4. Now read the table of 4 till you reach the 8. आप 4 का टेबल रीड करोगे जब तक कि आप 8 तक नहीं पहुंचते। 4 1 = 4 एंड 4 2 = 8, सो योर रिजल्ट विल बी 2। 4 2 = 8, नाउ 8 - 8 इज इक्वल टू 0, योर आंसर इज 2। सो राइट हियर 2। इन द सी पार्ट 4 × 5 इज इक्वल टू 20। 4 5 = 20 and when you divide 20 by 4 you get the answer 5, but when you divide 20 by 5 what will be the answer? Here we do the rough work, 20 / 5. Now read the table of 5 till you reach 20. 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 14, 5 4 = 20 and your result is 5 4 = 20. So write here 4. In the D part, 5 6 = 30. When you divide 30 by 5, you get the answer 6. But when you divide 30 by 6, what will be the answer? Let's divide 30 by 6. अब आप 6 का टेबल फिर रीड करोगे जब तक कि आप 30 तक नहीं पहुंच जाते। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30 एंड द आंसर इज 30। 6 5 = 30, सो राइट द अनदर डिवीजन फैक्ट फॉर 30 / 5 इज 5। इन द नेक्स्ट पार्ट 6 × 3 means 6 3 = 18. 6 3 = 18 and its division fact is when you divide 18 by 6 your answer will be 3. 18 / is equal to 6. Now what will be the answer here? When you divide 18 by 6, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18. When you divide 18 by 6, 6 3 = 18, your answer is 3. Now its another division fact is
अब देखिए जब हमने 18 को 6 से डिवाइड किया तो 3 आया हमारे पास। अब आंसर हमारे पास इन्हीं तीन डिजिट में से सेम है, 18 डिवाइडेड बाय व्हाट विल द आंसर इज 6, व्हाट विल बी द नंबर वी हैव टू राइट हियर इज 3, मींस 6 3 इज 18 एंड व्हेन वी डिवाइड 18 बाय 3, व्हेन वी डिवाइड 18 बाय 3, नाउ रीड द टेबल ऑफ 3 टिल यू रीच द 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड योर आंसर इज 3 6 जा 18, सो राइट 6 हियर।